हमारे बीच में एक साथी आए हुए हैं और आप सब इतना भी साथ नहीं दे पा रहे हैं, इनके मान सम्मान को रखते हुए एक बार जोरदार नारा, डीएलएटेक दा जिंदाबाद, डीएलएटेक दा जिंदाबाद, जिंदाबाद, डीएलएटेक दा जिंदाबाद, जिंदाबाद, डीएलएटेक दा जिंदाबाद, 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 बैक फॉर द चुक कप किया गया है कि आपके साथ हित हुआ का हित हुआ है? हित हुआ, यूजीसी गाइडलाइन के तहत बैक प्रतिच्छुक प्रमोट किया गया है, तो ये परीक्षा नियामक एससीईआरटी नहीं प्रमोट कर रहे, जिसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें उनकी गलती है। तो इस तरह का इनके सबके खिलाफ लड़ने के लिए आज जब धरने पे बैठते हैं और सरकार आपके बारे में सोच नहीं रही है, ना यहाँ पे खबर ले रहे हैं, और शिक्षा मंत्री महोदय इस समय जो है
कम्बल बांट रहे हैं और आज जो स्टार प्रचारक बनने गए हैं देवरिया में, तो ये बताइए शिक्षा मंत्री अपना पद का निर्वहन कर कहाँ है? शिक्षा मंत्री कर ही नहीं रहे। तो अब आप सबसे ये बताना चाहते हैं कि क्या आप बैग जो आपके साथ यहाँ नया हुआ इस पर आप लड़ने के लिए आप सब साथ देंगे? तो बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं और आज 12 अक्टूबर से यहाँ जो है 12 अक्टूबर से लगातार संघर्ष चल रहा है। इसमें बहुत सारी हमारी छात्राएं बहने और बहुत सारे छात्र भाई लोग उपस्थित हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा और शिक्षा मंत्री महोदय जी द्वारा आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है और हम सबका आज 5वां दिन है और इस पर कोई एक हल नहीं निकल पा रहा। केवल ये आश्वस्त किया जाता है, रोज एक आश्वस्त किया जाता है कि भैया आज जो है आज ये जारी होगा, आज जो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं जैसे बड़े भाई से पूछना चाहता हूँ कि आप किस बैच के प्रशिक्षु हैं? आपका क्या प्रकरण है, कैसे बैच लगा आप? आपने पेपर पूरा दिया था? सरकार की नीतियों पे आपने 2 नंबर। आप देख सकते हैं कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो शिक्षा मंत्री द्वारा जो जारी हुआ साथी हैं जो परेशान हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे साथी और छात्र छात्राएं हैं जो बहुत परेशान हैं और मानसिक आहत हैं, लेकिन मैं केवल संघर्ष कर सकता हूँ, आप सबके लिए केवल लड़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कानपुर से आए मेरे साथी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी से इतना कहना कि जो आपने जीए तुगलकी जो जीओ जारी किया है, आप एक बार कृपया करके पुनः पढ़ें और ये इस तरह से सत्य के नशे में चूर होकर जो आप ये कार्य ले रहे हैं, इसमें बहुत सारे 90,000 प्रशिक्षुओं की मानसिक क्षति पहुंच रही है और आप के द्वारा ये जीओ जो जारी हुआ है, आपको UGC गाइडलाइन हायर एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है बैक प्रशिक्षुओं को प्रमोट करने के लिए, तो प्राथमिक में आप सब ने जो इस तरह का नियम ना लगाकर या आपने जल्दीबाजी में जीओ जारी किया है, कहीं ना कहीं गलत किया था ना सही रवैया। जब उसके लिए शिक्षा मंत्री जी का जो ज्ञापन दिया जा रहा है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो बहुत मानसिक आहत हमारे साथी हैं कानपुर से, इन सब के ऊपर क्या बीत रही? कानपुर से आए ये 5 दिन से कुछ नहीं खा रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। सब यहाँ जितने साथी हैं बहुत मानसिक आहत हैं, ये बहुत परेशान है। आप जितने लोग हैं सब परेशान हैं। ये आज 5 दिन से आज रुके हैं, 6 दिन के जाए भूखा पैसे यहाँ पे हम सब सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, लेकिन हम अपने हक के लिए अग्रसर हैं। मैं अपने सभी नौजवान 90,000 साथियों से कहना चाहता हूँ, इस इको गार्डन पे 12 बजे तक हर हाल में पहुंचे, क्योंकि ये सरकार क्षेत्र रही नहीं है और इस इको गार्डन में बैठा कर छोड़ दिया गया है। हम सब अपनी बातों को रख रहे हैं और हमें आज 12 बजे का शोषण दिया है, लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें जब 12 बजे ये कोई ना जारी किए या इनका शोषण या आश्वस्त कैसे हूं तो कि मेरे 90,000 डीएड परिवार के जो पैक प्रशिक्षु हैं, वह सभी साथी जो अगल बगल जिले के हैं, वो आने का कष्ट करें, क्योंकि ये लड़ाई आप सबकी है। आपको सोचना हर ने गलत किया हो, जिनके साथ ईश्वर ने गलत नजर देखी अनदेखी कर दी, तब भी वो अपने हक के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो आपको भी चाहिए कि अपने हक के लिए यहाँ पहुंचना चाहिए। आज लड़ाई चरम सीमा पे है, अंतिम दिशा में है और आपको चाहिए कि इस हक की लड़ाई में आप सबको बढ़ चढ़ के